आखिरकार जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर फिर से रौनक लौटने वाली है। 11 सालों के बड़े इंतजार के बाद टर्मिनल एक शुरू होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 आखिरकार 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। 16 जुलाई 2013 का दिन वो दिन था जब जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया था। तत्कालीन निदेशक पॉल माणिक्कम द्वारा निकाले गए आदेशों के बाद एयरपोर्ट का सबसे पुराना टर्मिनल बंद हो गया और सभी फ्लाइट्स का संचालन टर्मिनल 2 से किया जाने लगा। वक्त के साथ साथ टर्मिनल 1 को शुरू करने के दावे होते रहे, लेकिन इन सब में 11 साल का समय बीत गया। ऐसे में 27 अक्टूबर को फिर से जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर रौनक लौटने जा रही है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 सज धज कर भव्य उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल करेंगे और 27 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नामित टर्मिनल 1 पूरी तरह से चालू हो जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लौटेगी रंगत। टर्मिनल 1 पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का शुरू होगा संचालन। टर्मिनल 1 को दिया गया हेरिटेज लुक। हवा महल, जंतर मंतर समेत कई हेरिटेज झलक दिखेंगी टर्मिनल 1 पर। अराइवल और डिपार्चर गेट पर बनाई गई छतरियां। ऐसे में देश का पहला हेरिटेज टर्मिनल होगा जयपुर का एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 करीब 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ। सालाना 15 लाख यात्रियों का आवागमन यहां से हो सकेगा। CISF के करीब 100 सुरक्षा कर्मी रहेंगे टर्मिनल 1 पर तैनात। डिपार्चर क्षेत्र में 10 इमिग्रेशन काउंटर लगाए गए। अराइवल एरिया में 14 काउंटर स्थापित किए गए। टर्मिनल 1 भवन में 10 चेक इन काउंटर बनाए गए। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के शुरू होने के बाद से अब जयपुर एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल हो जाएंगे। टर्मिनल 1 से सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन होगा। टर्मिनल 2, जिस पर से अब तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स का संचालन होता था, अब केवल घरेलू उड़ानों के लिए होगा। 27 अक्टूबर को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उतरने वाली पहली फ्लाइट अबू धाबी से एतिहाद एयरवे की होगी, जो कि 27 अक्टूबर की देर रात 2:10 पर उतरेगी। उस फ्लाइट में आने वाले सभी यात्रियों का टर्मिनल 1 पर भव्य स्वागत किया जाएगा। फिर उसके बाद टर्मिनल 1 से 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन नियमित रूप से शुरू हो जाएगा। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर रौनक जरूर लौट आएगी। 7 इंटरनेशनल फ्लाइटों का संचालन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ 7 ही इंटरनेशनल फ्लाइट के संचालन के लिए टर्मिनल 1 की शुरुआत करना कितना न्यायोचित है। ऐसे के अंदर अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में क्या और नए देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन भी टर्मिनल 1 से हो पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।